यार अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी थार SUV कैटेगरी में नहीं आती तो शायद आपको बिलीव ना हो। जी हाँ, ये सच है। रिसेंटली GST काउंसलिंग की मीटिंग के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने SUV कार्स की एक नई डेफिनेशन जारी किया। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी कार को तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा। फर्स्ट कंडीशन है आपकी कार की लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड आपकी कंडीशन आपके कार की इंजन कैपेसिटी 1500 cc से ज़्यादा होनी चाहिए। और आपकी थर्ड जो कंडीशन आ जाती है वो है आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कार का वो 170 mm से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम थार की। थार में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 226 mm, मतलब 170 से ज़्यादा हो जाता है। आपको मिल जाता है 1500 cc इंजन, मतलब 1500 cc से ज़्यादा का इंजन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर इसकी हम लेंथ की बात करें तो आपको लेंथ मिलने वाली है 3.985, मतलब 15 mm ना कम रह जाती है आपके 4 मीटर होने में। तो इसलिए आपकी थार जो है वो SUV कैटेगरी में नहीं आती। साथ साथ नेक्सॉन, ब्रेजा, वेन्यू जैसी कार भी आपके SUV कैटेगरी में नहीं आने वाली है। नतीजतन आपके टैक्सेस कम होने वाले हैं।